फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि फायरिंग कर दहशत का माहौल कायम हो गया और इस घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने एक के बाद एक तमार तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे एक की व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मामला आज सुबह करीब 10:30 बजे का है, जहां 80,000 रुपये के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए, अभी एफआईआर तो नहीं आई है, परंतु प्रेमे फेसी जो मृतक की माँ है, से जो बातचीत हुई है, जो कि मौके पर थी, उसने बताया कि 4 साल पहले लगभग 80,000 रुपये उधार दिए गए थे, जिनकी लगातार इनके तकादे करने के बावजूद भी जिसने फायर किया है इसने अदा नहीं किए थे। आज ये लोग पैसे का तकादा करने के लिए मौके पर गए थे और इसने जो एक्यूज है सोनवी नाम का, इन्हें छत पर चढ़ करके फायर किया, जिसमें एक मृतक एक गोली लगी है जिसकी मौत हो गई है, दूसरे को हेड इंजरी है और तीसरे इनके पिता को टांग में गोली लगी है। 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है और शव को मोर्चरी रखवाया गया है। जैसी सूचना प्राप्त हुई तत्काल पुलिस एक्टिवेट हुई है और मौके पर पहुंची है। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, शांति व्यवस्था है और बाकी अभी मृतकों का जो मृतक को मोर्चरी में रखाने के बाद में बाकी का इलाज कराया जा रहा है और अभी तो घर पर दबिश दी गई है, वहाँ से अभियुक्त की बरामदगी नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन तत्काल इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये सुधावा नगर क्षेत्र का मामला है, इसमें 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक तो मध्यवस्था में आया था, जिसमें 2 लोगों के सर में गोली लगी थी, एक तो खत्म हो गया था और एक लोगों के जान को गोली लगी है। दोनों की कंडीशन की अत्यंत गंभीर थी तो उनको आगरा रेफर कर दिया गया। कैसी स्थिति बनी हुई है? गंभीर स्थिति। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।